उमा एक्सपोर्ट्स ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रेड करती है, मतलब उनको थोक में खरीद लेती है, बाद में पैकिंग करके आगे बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया में भी ट्रांसफर करती है अलग अलग जगह। तो ये मतलब ये काम करती है ये कंपनी। आज के दिन इसका जो स्टॉक प्राइस है ये 70 रुपये का है और 53 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, मतलब इसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 53 रुपीज़ की है। आज के दिन ये कितना कमा रही है, तो ये जो अपना जितना पैसा काम में ले रही है, जितना भी पैसा काम में ले रही है लोन वोन मिला लोगों के, उनके ऊपर 20% का पैसा जनरेट मतलब रेवेन्यू मतलब जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने बिजनेस के थ्रू। और जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ उसके ऊपर भी 20% का प्रॉफिट मतलब वो इंटरेस्ट जनरेट कर रही है, पैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। पी कितना है 8 का, मतलब 8 रुपए के ऊपर 1 रुपया कमा रही है। दैट इज अगेन गुड, सो गुड। अब अगर इसकी कंपनी की बात करते हैं क्वार्टरली एंड सॉरी एनुअल रिजल्ट्स की, एनुअल रिजल्ट्स के बेसिस पर कैसे परफॉर्म करी, तो इसके अगर ध्यान दो सेल्स बढ़ती ही जा रही है भाई, मतलब 2019 के अंदर इसकी जो सेल थी 329 करोड़ की थी, आज 1486 करोड़ की लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग सालाना। ये 2019 के अंदर 1 रुपया कमा रही थी एक शेयर के ऊपर, आज के दिन 8 रुपये कमा रही है एक शेयर के ऊपर। दैट इज अगेन क्वाइट गुड। इंटरेस्ट में मतलब जो लोन है उनके ऊपर सिर्फ 5 रुपये 5 करोड़ रुपए दे रही है एज ए इंटरेस्ट और 35 करोड़ रुपए कमा रही है। तो ये तो मोस्टली जो जितना पैसा कमा रही है इन्वेस्टर्स के लिए ही कमा रही है। डेप्रिशिएशन इसके ऊपर को पास में कोई ऐसे एसेट्स नहीं है जो डेप्रिशिएटिंग हो, जो ये कंपनी कोई भी डेप्रिशिएशन में काम में नहीं ले रही है एसेट्स, खर्चे में दिखा रही सारे एसेट्स को। देखो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स और जो दूसरे जो एसेट्स होते हैं, मान लीजिए हमने गाड़ी ली तो कुछ कंपनियां क्या होती हैं उससे जीएसटी क्लेम कर लेती हैं, तो उसको डेप्रिशिएशन में नहीं दिखा सकती हैं। राइट, अगर वो जीएसटी क्लेम नहीं करती तो उसको किस में दिखा सकती है, वो डेप्रिसिएशन में दिखा सकती है। ये कंपनी जो है डेप्रिसिएशन में किसी भी एसेट को नहीं दिखाया हुआ है, तो ये डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर रही। अब यहाँ पर अगर कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो प्रॉफिट तो अच्छे जनरेट करिए, बैलेंस शीट मतलब आज के दिन हालत देख लेते हैं फाइनेंशियली कंपनी है कैसी। तो कंपनी के पास में 146 करोड़ खुद का पैसा है, बोरोइंग जो कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है उसका पता करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 करोड़ रुपए की है, बाकी शॉर्ट टर्म की बोरोइंग 108 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी कब लेती है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस चुकाना हो, तो मोस्टली 1 साल के अंदर पैसा चुकाने वाला पैसा कंपनी कब लेती है, जब कंपनी के पास में ऑर्डर ज़्यादा आ गए हो और मटेरियल कम पड़ गया हो ऑर्डर पूरा करने के लिए, तो कंपनी लोन पर पैसा उठा के माल बेचती है और बाद में जैसे माल का पैसा आता है कंपनी आगे उस लोन को पे ऑफ कर देती है 1 साल के अंदर अंदर। और अगर पैसा नहीं आता है उधारी पर ज़्यादा माल उठ जाता है इन केस, तो कंपनी और लोन लेने की वो बता जाती है कंपनी के ऊपर, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म लोन ले शॉर्ट टर्म ले जो भी कंपनी को अच्छा लगता है उस हिसाब से। तो अगर उस चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लोन चुका पाएगी तो नहीं, अगर इसकी बात करें तो 108 करोड़ रुपए हैं शॉर्ट टर्म लोन। यहाँ पर कंपनी रिसीवेबल्स हैं 124 करोड़, तो कंपनी को 124 करोड़ का माल कंपनी बेच चुकी है और इतने इसको रिसीव होने वाले हैं ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ से पैसा आया वो पे हुआ 41 करोड़ आज के दिन ये कंपनी के पास में पड़े हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट तो ऑलरेडी इसके पास आज के दिन कर सकती है इसको, तो कोई इश्यू नहीं है कंपनी को। सेकेंड अगर कंपनी की और चीज़ों की बात करते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे जमीन वगैरह कितनी है, तो कंपनी के पास में 2 करोड़ की जमीन है जो कि कब ली थी 2019 से पहले ही ले ली थी कभी, तो आज वो 2 करोड़ की ज़मीन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी बढ़ के 5 साल बाद में 4 करोड़ की तो हो ही गई, क्योंकि मैं तो अपने आसपास की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर रहा हूँ। इस एरिया में कंपनी की ज़मीन वगैरह है उस एरिया का हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, 2 करोड़ की कमी मैं मान के चल रहा हूँ 4 करोड़ की तो हो ही गई होगी अब तक। बिल्डिंग भी है कंपनी की, 93 लाख की कंपनी ने खरीदी थी, आज के दिन कंपनी ने काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका बेच दिया है, तो 35 लाख की बची है। इक्विपमेंट्स पड़े हैं कंपनी के पास में और बाकी कोई ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स है नहीं कंपनी के पास में। सो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियली कंपनी की हालत आज के दिन काफ़ी ठीक है, कहीं इशू अपने को नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा कैश फ्लो की अगर कंपनी की बात करते हैं, तो कैश फ्लो नेगेटिव में है, क्योंकि हमने देखा अभी अभी कि कंपनी के पास में ऑर्डर ज़्यादा आ गए जिसकी वजह से कंपनी को लोन पे पैसा उठा के माल बना के देना पड़ा, जिस वजह से इस साल इतना पैसा नहीं आया कैश में, कैश नहीं आया कंपनी के पास में। इस साल आने की उम्मीद है, उस पैसे की रिकवर होने की उम्मीद है, पर कंपनी की सेल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कंपनी के पास में इतना पैसा है नहीं कि उतनी सेल को कवर अप कर पाए, तो लोन पे उठा के बेचारी करेगी करेगी क्या ऑफकोर्स। अगर इन दूसरी चीज़ों की बात करें तो कंपनी के जो अगर कहीं दिक्कत होती है तो जो मालिक लोग हैं वो शेयर से निकलने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मालिक लोग हैं वो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं और कंपनी का बड़ा हिस्सा, बहुत ही बड़ा हिस्सा, 72% हिस्सा कंपनी के मालिकों के पास में है जो कि शुरुआती मालिक हैं, और पब्लिक के पास में कितना परसेंट है 27% है, 27% जो कि मुझे लगता है आईपीओ के अंदर ही दिया होगा उतना ही है, उसके बाद में मालिक लोगों ने बेचा ही नहीं है। सो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस की कंपनी की जो ये चीज़ें हैं उमा एक्सपोर्ट्स जो इन चीज़ों कोरिएंडर क्यूमिन इस चीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ग्रोथ इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जैसे जैसे आउटर वर्ल्ड को हम देख पा रहे हैं कि एक्सपोर्ट की जो डिमांड है खाद्य सामग्री की वो बहुत ज़्यादा है, यूक्रेन वॉर देख लो चाहे और चीज़ें अनसर्टेनिटी देख लो यूरोप के अंदर की, तो हमारे जो इंडिया के ऊपर क्या आ रहा है कि जो दूसरे देश हैं वो ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड के जो आइटम्स हैं उनके अंदर भी देख लो या फिर दूसरी चीज़ों के अंदर भी देख लो, तो ज़्यादा भरोसा आ रहा है तो यहाँ पर इम्पोर्ट कम हो रहा है एक्सपोर्ट बढ़ रहा है,
और दूसरी चीज, आज के दिन हमारी जो करेंसी है तकरीबन 20 से भी ज्यादा देशों में एक्सेप्ट होने लगी है। तो पहले क्या होता था, हमारी करेंसी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होती थी, यूएस का डॉलर एक्सेप्ट होता था। अब हमारी करेंसी एक्सेप्ट हो रही है, तो वहां के देश ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, मतलब इम्पोर्ट हम करते हैं तो हम किस में पे कर सकते हैं उनको, पैसों के अंदर। और जब वो हमसे माल लेंगे तो वो हमको किस में पे करेंगे, हमारे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना का जो है वो बढ़ने की उम्मीदें होती हैं, या फिर एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। और खाद्य सामग्री के अंदर ये कंपनी है, तो इसके एक्सपोर्ट तो वैसे भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है भाई। इसी बेसिस के ऊपर हमने इसका रिकमेंडेशन दिया था बाइंग का, 50 से ऊपर जाते ही इसको खरीद लें। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि दिया था कि नहीं दिया था। देखो 25 मई को मैंने इसका रिकमेंडेशन दिया था कि 50 के ऊपर जाए तो शेयर इसके खरीद लेना, आज ये 70 पे चल रहा है। सो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा और कंपनी के आगे फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, हम लोग इसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि इसके अंदर हम आज के दिन भी इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसके जो स्टॉक हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ग्रोथ, 200-300 के आसपास इस कंपनी के स्टॉक को हम देख सकते हैं अगले 5 साल के अंदर अंदर। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो है अभी तकरीबन 100 रुपीज़ के आसपास में इसके स्टॉक को हम लोग देख सकते हैं अगले तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसा उम्मीद है। सो इसको बिल्कुल सीरियसली लेके मत बैठना, डाइवर्सिफाइड कम से कम 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करना ताकि डाइवर्सिफाइड रहे पोर्टफोलियो। अगर कोई एक नेगेटिव में चला जाए तो दूसरा पॉजिटिव में चला जाए, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी एक में सारे पैसे ठोक दिए और बैठ गए। एटलीस्ट 15 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ और बाद में इन्वेस्ट करके आराम से बैठो, देखो और कमाओ। सी यू टुमारो विद इन्फॉर्मेशंस।